नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,689 नए मामले आए सामने। रिकवरी रेट 97.39% पर पहुंचा। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 143 अंकों की उछाल के साथ खुला। टोक्यो ओलंपिक में 7 और लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। खेलगांव संबंधी मामलों की संख्या 15,530 पर पहुंची। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ मनपा और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। गार्ड लाइन में कार्रवाई से तनाव। परेशान व्यापारियों का झड़का दर्ज। संविधान चौक पर किया जबरदस्त प्रदर्शन, दिखाई एकजुटता। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी पर लिक्विडेटर की कार्यप्रणाली गलत। हाईकोर्ट ने ठुकराई अर्जी। बेटी को बचाने बाघ से भिड़ गई थी मां। डेंटल अस्पताल में इलाज, ठीक होने के बाद मिली छुट्टी। सुधार के बाद सीटी पंजीयन की शुरुआत। शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त तक बढ़ाई तिथि। महिला चोरों ने उड़ाए 2,30,000 के जेवर। लखड़गंज पुलिस स्थानांतरित का मामला। शहर में अब अवैध पार्क वाहनों को ले जाएंगे टोइंग वैन। अंतिम चरण में टेंडर की प्रक्रिया, जल्द ही होगा अमल। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।